बजट सेशन के दूसरे मरहले का आगाज, ऐवान में दिखा बीजेपी के चार रियासतों में जीत का नजारा, हंगामे के सबब राज्यसभा की कार्रवाई हुई मुतासिर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन, सदर ज़ेलेंस्की ने कहा हम जीतेंगे जंग, इतवार को कवरेज के दौरान अमेरिकी सहाफी की मौत। अमेरिका और चीन के बीच आज बड़ी मीटिंग, रोम में मिलेंगे दोनों मुल्कों के सलाहकार, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा मुमकिन। ज़ेलेंस्की ने की रूसी हवाई हमले की मजम्मत, 35 अफराद की हलाकत के बाद बात को भी कबूला। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, यूक्रेन फौज ने रूस के साथ तैयारी गिराने का किया दावा, रूसी तैयारों पर दागी एंटीक्राफ्ट मिसाइल। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अस्पताल का किया दौरा, जख्मी फौजी से की मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने दोहराई नो फ्लाई जोन की मांग, नाटो को इंतबाह देते हुए कहा नाटो ममालिक की सरहद में भी गिर सकती है रूसी मिसाइल। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के हमले को लेकर नेटो को किया था अलर्ट। मगरबी यूक्रेन में फौजी अड्डे पर रूस का फिजाई हमला, हमले में 35 लोगों की मौत, 134 हुए जख्मी। खारकीव में यूक्रेनी फौज के मजबूत गढ़ पर हमला, रूसी फौज ने दागी मिसाइलें। यावोरीव में यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का हमला, 180 गैर मुल्की लड़ाके मार गिराने का किया गया दावा। अमेरिकी नायब वजीर खारजा का बड़ा बयान, कहा रूस ने बातचीत के दिए इशारे, यूक्रेन को तबाह करना चाहता है रूस। ब्रोवेरी में गोलाबारी के बाद बिगड़े हालात, फूड डिपो में लगी आग, आसमान में छाए धुएं के बादल। जर्मनी में जंग के खिलाफ मुजाहरा, बर्लिन में हजारों मुजाहरीन ने की पुरअमन की अपील। रूस के यूक्रेन में फिजाई हदूद पर कब्जे का दावा, रूसी वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन से लगातार नकले मकाने जारी, नेक्स्टा टीवी के मुताबिक 17 लाख लोगों ने ली पोलैंड में पनाह। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बहाल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दी जानकारी। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, सदर जमहूरिया ने दी जीत की मुबारकबाद, नितिन गडकरी से भी मिले योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में 19 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक, 20 मार्च को नए सीएम ले सकते हैं हलफ। सोनिया गांधी के पास ही रहेगी कांग्रेस की कमान, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हार पर हुआ गौर और खौस, अशोक गहलोत ने कहा केवल राहुल कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। दिल्ली फसाद मामले में उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला, कड़कड़डूमा कोर्ट 21 मार्च को सुनाएगी फैसला। मुंबई में पकड़ी गई नकली डायबिटीज टेस्टिंग किट, एक मुलजिम गिरफ्तार, थोक बाजारों में खपाता था डायबिटीज टेस्टिंग किट। भोपाल से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, चारों का जमातुल मुजाहिदीन से ताल्लुक होने का दावा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया अवतार लॉन्च, 800 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन होगा तबाह। आज भारत श्रीलंका टेस्ट का तीसरा दिन, हामियों ने टीम इंडिया की जीत का किया दावा, होटल के बाहर जमकर नारेबाजी।